हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिसिस किंजल पंचाल। आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6, लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर यूनिट 1, मैनी काइंड्स ऑफ आर्ट्स। ओके, योर 1 यूनिट 1, मैनी काइंड्स ऑफ आर्ट। आर्ट बहुत तरीके के होते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी 5 ऑफ दिस यूनिट। ओके, एक्टिविटी 5 अबाउट कलर्स। ओके, हियर आर क्वोट्स फ्रॉम फेमस पीपल अबाउट कलर्स। द क्वोट्स आर इंटरेस्टिंग बट द पीपल डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाट दे मीन्ट। ओके, यहाँ कुछ फेमस पीपल्स, जो फेमस पीपल है उनके द्वारा लिखे गए क्वोट्स है कलर्स के बारे में। क्वोट्स मतलब सेइंग मीन्स कहवत, जिसको आप बोलते हैं ना। ओके, कहवत उसको क्वोट्स बोलते। ओके, सो यहाँ एक फेमस, बहुत सारे फेमस 3 पीपल्स हैं ऐसे, तो उनके द्वारा लिखे गए क्वोट्स है। ओके, क्वोट्स जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि एक क्वोट्स एक छोटा सा ही होता है, पर उसका जो मीनिंग होता है ना वो बहुत डीपली में होता है। यानी अगर आप उसके बारे में लिखने जाओ तो शायद पेज 1, 2, 3, किसी का इतना नॉलेज होता है तो 4-5 पेज भी लिख सकते हैं। ओके, नॉलेज के हिसाब से लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट द पीपल डिड नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाट दे मीन्ट। यानी लेकिन लोग है ना इसको समझ नहीं पाते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो क्या कहने जा रहे हैं, बस उसको सिर्फ रीड कर लेते। ओके, यहाँ ऐसा लिखा है, यूज़ अ डिक्शनरी, द इंटरनेट और पीपल वू नो द हेल्प यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड्स, देन चूज द क्वोट दैट इंटरेस्टेड यू मोस्ट। यानी आप डिक्शनरी, नेट का सबका यूज़ करो, पर अभी जो पॉसिबल नहीं आप घर पर इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हो। ओके, आपके फादर की या मदर की जो भी हो हेल्प ले सकते हो। ओके, अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पढ़ाऊँगी। देखो, फर्स्ट क्वोट से, कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर। किसने लिखा है? लेट हंट। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर मीन्स, अब आपको पता होगा कलर्स जो है ना वो एक अच्छा सा रोल प्ले करता है अपने लाइफ में। ओके, आप लोगों को जो भी कलर है, आप लोगों को जो नेचर पता है, कुदरती जो दृश्य होता है ना, अगर आप वो देखते हो तो आप कहीं हरियाली में जाते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, सही बात है। तो आपको इतनी शांति मिलती है, यानी आँखों को भी देख के इतनी शांति मिलती है। ओके, पीसफुल फील करते हो आप लोग। ओके, सो यही कि हमें अंदर से स्माइल आ जाती है, तो कलर्स है ना वो एकदम आउटस्टैंडिंग रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ओके, और कैसे तो उस नेचर जो अर्थ है वो भी हमारी कलरफुल है। अगर अर्थ में कोई कलर ही नहीं होता तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं। अब देखो, हम लोगों को सारे, देखो हम लोगों को वी कैन फाइंड वेरियस कलर्स। ओके, इन नेचर देखो किस तरीके से, जैसे जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते सब, तो ग्रीन कलर। फ्लावर्स होते हैं तो कोई येलो, कोई वाइट, कोई रेड, कोई पिंक, कोई पर्पल, है ना, तो अलग अलग कलर्स होते, तो उन सबको देख के हमें अच्छा लगता है। ओके, और उन लोगों को जो अलग अलग होते हैं चीज़, उन सबको देख के हमें स्माइल आती, तो यही कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर। ओके, नेचुरली स्माइल आ जाती है। सेकंड है, कलर्स स्पीक ऑल लैंग्वेजेस। कलर्स सारी लैंग्वेजेस बोलती है। जोसेफ एडिशन, ओके, ये इसने लिखा, यू नो वेरी वेल, एंड दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, आई लाइक दिस। ओके, किस कलर से पता चलता है कि वो इंसान है, उसका नेचर कैसा है, कलर्स के हिसाब से पता चलता है, यू नो कलर्स एकदम सही बात है, कि कलर्स है ना वो एक साइन है लैंग्वेज का। जैसे वाइट कलर है तो किसी को वाइट कलर अच्छा लगता है तो समझ लेंगे वो पीपल है ना, यानी शांति प्रिय होता है। शांति प्रिय मतलब वो शांत में रहने वाला होता है। पिंक कलर है तो भी समझो वही, उसमें डार्क पिंक, और रेड कलर हो, ब्लैक कलर हो तो क्रूर व्यक्ति, ऐसा। क्योंकि उनकी कलर्स के हिसाब से ही उनके जो नेचर है उसको इंडिकेट करता है
मूड्स, सिग्निफिकेंस, वो सब होता है। ओके okay? अब देखो, हम लोग एक बार ट्रैफिक सिग्नल में भी देखो, ट्रैफिक सिग्नल में स्टॉप लिखने की ज़रूरत होती है। कलर स्पीक ऑल लैंग्वेजेस, देखो रेड देखो तो स्टॉप लैंग्वेज आ गई, येलो देखो तो यानी वेट, येलो हो या तो ऑरेंज होती है। ओके तो कैसा कि अभी वेट, ग्रीन गो। ओके अब कलर के हिसाब से देखो, सेफ्रॉन कलर हमारा है, हिंदुओं का सेफ्रॉन कलर। हमारे जो साधु साधु संत होते हैं ज़्यादातर सेफ्रॉन केसरी कलर ज़्यादा पहने, केसरी है ना जिसको बोलते हैं, और एक्चुअली और उसको ऑरेंज कलर नहीं बोलते, सेफ्रॉन कलर बोलते हैं। ओके यानी जो हमारे संत होते हैं वो पहनते हैं। ओके मोमेडियन लोगों का आपको पता होगा, इस्लामिक लोगों का ग्रीन कलर होता है। ओके तो इस तरीके से अलग अलग कलर्स के कपड़े से वो पता चल जाता है। हमारे प्लेयर्स जो होते हैं वो भी अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ओके चलो सेकंड थर्ड वन, आई प्रीफर लिविंग इन कलर। आई प्रीफर लिविंग इन कलर यानी मुझे कलर्स के साथ रहना अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता कलर्स से। या ये किसने लिखा है? डेवी हॉकनेस। किसको नहीं लगता? किसी को भी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया अच्छी लगती है? सोच के भी सोचो, थोड़ा सोचो कि क्या आपको ऐसा लगे कि घर में कोई चीज़ कलर वाली नहीं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट हो, आपके कपड़े भी ब्लैक एंड व्हाइट, सारी चीज़ें भी ब्लैक एंड व्हाइट, क्या आपको अच्छा लगेगा? आप कलर वाली दुनिया देखो और ब्लैक एंड व्हाइट की देखो, आपको कौन सा पता अच्छा लगता है? कलर वाली। तो इसका मतलब है सबको कलर, किसी को डल लाइफ अच्छी लगती नहीं, कलरफुल लाइफ होता है ना तो वो क्या होता है पता है, अपना जो मूड होता है ना वो वाइब्रेंट हो जाता है, इन्हें अपना मूड सुधर जाता है। ओके नाउ न्यू वर्ड्स, डू यू सी द वर्ड, डू यू सी द वर्ड कलर इन द क्वार्टेज? कलर एंड कलर आर बोथ करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द सेम वर्ड, सो आर फेवरेट एंड नेबर दैट द यू इज यूज इन मोस्ट राइटिंग इन इंडिया। अब यहाँ आप लोगों को कभी कभी लगता है बच्चों कि कोई स्पेलिंग मैम ने तो यू लिखा ही नहीं, पर आप ये कलर लिखो या तो ये कलर लिखो, दोनों की स्पेलिंग सही है। फेवरेट और फेवरेट, नेबर नेबर, यानी जो इंग्लिश होता है ना उसमें कई कई स्पेलिंग में ऐसा यू लिखने की ज़रूरत है। हमारे जैसे इंडिया में हम कलर लिखते हैं तो यही कलर लिखते हैं, बाकी सही में जो फॉरेन लैंग्वेज होती है ना उसमें कलर इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। सो आप ये लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो स्पेलिंग है वो सही है। ओके कलर इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो। ओके तो वो सही है क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज और जो लोकल लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से होता है। ओके लोकल लैंग्वेज के हिसाब से हम लिखते हैं कभी कभी। ओके यानी आप किस हिसाब से लिखते हो उसका दोनों स्पेलिंग सही है। ओके नाउ एक्टिविटी सिक्स। ओके एक्टिविटी सिक्स, मेक अप अ क्वार्ट अबाउट कलर्स और अनदर आइडिया ऑफ योर ओन एंड प्रिंट इट नाइसली ऑन बैनर बिलो, शेयर योर क्वार्टर विथ योर क्लासमेट। जो भी पॉसिबल तो क्लासमेट के साथ है ही नहीं, पर यहाँ कोई ऐसा क्वार्ट्स लिखना था जो मैंने यहाँ लिखा है, पीपल रिवील देयर ट्रू कलर्स इन ड्यू टाइम। पीपल रिवील देयर ट्रू कलर्स इन ड्यू टाइम एंड दिस इज मोस्ट लाइक क्वार्टर्स बाई मी। ओके मुझे ये क्वार्टर्स बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सही भी है। ओके इस क्वार्टर्स बहुत अच्छा है कि पीपल लोग जो भी होता है ऐसे समय में अपना सही रंग दिखाते हैं, सही बात है। ओके तो स्टूडेंट्स ये क्वार्टर्स है, बहुत अच्छा क्वार्टर्स है। ओके चलो रीड द क्वार्टर्स ऑफ योर क्लासमेट, विच न्यू क्वार्टर्स डिड यू लाइक बेस्ट। तो यहाँ मैंने लिखा है तो एक है, नेचर ऑलवेज वेयर्स द कलर्स ऑफ द स्पिरिट, नेचर ऑलवेज वेयर्स द कलर्स ऑफ द स्पिरिट वॉज द बेस्ट अमंग ऑफ। आई लाइक इट वेरी मच बिकॉज इट शोज द ओमनी प्रिसन ऑफ द ऑलमाइटी। ओके इस तरीके से ओके देख लीजिए, ये आपको लिखना है आपकी टेक्स्ट बुक में।
इसका है डिड यू प्रीफर योर ओवन और अ क्लासमेट क्वार्टर्स, तो मैंने ये लिखा आई प्रीफर द क्वार्ट ब्राउट बाय माय फ्रेंड सिरिन बिकॉज इट कन्वेज द मैसेज ऑफ सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड. ओके नाउ एक्टिविटी 7. We have read about paintings. One kind of art. Poetry is also a kind of art. Read the poem and notice the dialogue. अब painting ही art नहीं, poem बनाना भी एक art है. हम और तुम poem बना सकते, poet को poem लिख सकते? नहीं. हम लोग रंगोली थोड़ी सी सी मेकिंग पेंटिंग थोड़ा थोड़ा कर, लेकिन जो पेंटर्स लोग करते हैं उस तरीके की पेंटिंग हम नहीं कर सकते ना. यानी उस उनका आर्ट है, उनका इतना वो पकड़ होती है एक काम में. ऐसी पोएम लिखने में हम कहाँ से लिख पाएंगे, वर्ड्स ही नहीं याद आएंगे ना, है ना. तो इस तरीके से होता है. ओके आर्ट के हिसाब से डिफरेंट पीपल होते हैं ना, उस तरीके के डिफरेंट आर्ट्स होते हैं. ओके लेकिन सब में आर्ट्स होता ही है, किसी का बाहर आता है किसी का नहीं आता ऐसा. ओके तो पोएम है देखो द क्रेयन बॉक्स दैट टॉक्ड. द क्रेयन बॉक्स, क्रेयन बॉक्स यू नो कलर्स जो बातें कर रहे थे. किसने लिखा है? शैन डी रॉफ, शैन डी रॉफ. ओके चलो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टैग वर्कबुक में भी है, इसलिए मेरे को ये करने की ज़रूरत नहीं. ओके मैं यहाँ पढ़ूँगी. ओके वाइल वॉकिंग थ्रू आउट अ टॉय स्टोर द डे बिफोर टुडे आई ओवरहेड अ क्रेयन बॉक्स विथ मैनी थिंग्स टू से. यानी कैसा हुआ कि वाइल वॉकिंग थ्रू आउट अ टॉय स्टोर द डे बिफोर टूडे आई ओवर हैड अ क्रेयन बॉक्स विथ मैनी थिंग्स टू से. यानी कैसे एक बार कैसे वो के पॉइंट है ना वहाँ से चल रहे थे. ओके टॉय स्टोर थी ना, खिलौने की स्टोर, टॉय स्टोर वहाँ से चल रहे थे और उन्होंने क्या देखा कि क्रेयन है, क्रेयन बॉक्स है जो बातें कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे. ओके क्या बातें कर रहे? देखो जो कलर्स क्रेयन बॉक्स के जो कलर्स थे बॉक्स में वो सब बातें कर रहे थे. ओके अब क्या बातें कर रहे थे देखो. आई डोंट लाइक रेड सेड येलो. येलो ने क्या कहा कि मुझे रेड अच्छा लगता नहीं है. ओके एंड ग्रीन सेड नोर डू आई एंड नो वन हियर लाइक्स ऑरेंज बट नो वन नोस क्वाइट व्हाई. यानी क्या येलो ने क्या कहा कि मुझे रेड पर कलर पर रेड पसंद नहीं है, तो ग्रीन ने भी कहा कि मुझे भी नहीं है. ओके कि और फिर दूसरा क्या बोला कि किसी को भी ऑरेंज कलर जो है वो पसंद नहीं होता. यहाँ पर किसी को भी ऑरेंज कलर पसंद नहीं होता बट नो वन नोज क्वाइट वाई, लेकिन फिर भी कोई कुछ जानता नहीं है, कोई जानता नहीं है क्यों. वी आर अ बॉक्स ऑफ क्रेयंस, वी आर अ बॉक्स ऑफ क्रेयंस दैट रियली डजंट गेट अलोंग. वी आर अ बॉक्स ऑफ क्रेयंस, हम लोग क्रेयन के बॉक्स हैं. यानी एक बॉक्स है, कलर्स के एक बॉक्स है, इसलिए हम लोग सही में अलग अलग नहीं आएंगे. यानी कलर्स जो होता है 12 कलर्स होते हैं वो साथ में कोई एक कलर नहीं बेचता, समझे दुकान वाला, वो साथ में कलर्स का पूरा बॉक्स ही बेचता है. यानी यही उनका कहने का है था कि हम लोग अलग अलग नहीं बेच सकते. ओके सेड ब्लू टू ऑल द अदर्स समथिंग हियर इज रॉन्ग, समथिंग हियर इज. यानी ब्लू ने येलो बोल रहा था, ग्रीन बोल रहा था, येलो बोल रहा है मुझे रेड अच्छा नहीं लगता, ग्रीन बोल रहा है मुझे भी नहीं लगता और किसी को ऑरेंज अच्छा नहीं लगता. तो फिर उस बीच में क्या बोला दूसरे सब लोग थे ना दूसरे कलर्स, उन सबको ब्लू ने क्या कहा कि हम एक कलर के बॉक्स है. ओके और हम सही में एक मतलब अलग अलग से नहीं बेचा जा सकता. ओके कुछ गलत है यहाँ पर. वेल
आई बाउट दैट बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स एंड टुक इट होम विथ मी एंड लेट आउट ऑल द कलर्स सो द क्रेयॉन्स ऑल कुड सी. ओके, अब जो पोएट थे, पोएट पोएट उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने ये सारे जो कलर्स हैं वो खरीद के घर लेके आए. ओके, और उन सब को है लेआउट मतलब निकाल के रख दिए. ओके, निकाल के रख दिए एक दूसरे के सामने फेस टू फेस. ओके, जिससे सब लोग एक दूसरे को देख सके. ओके, फेस कर सकते. अब दे वॉच्ड मी एज आई कलर्ड विथ रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन एंड ब्लैक एंड वाइट एंड ऑरेंज एंड एवरी कलर इन बिटवीन. ओके, अब वो लोग है ना पोएट को देख रहे थे कि वो किस किस को यूज़ करते के, वो लोग जो कलर्स थे वो पोएट को देख रहे थे जैसे कि वो कलर करने वाला हो, रेड से, ब्लू से, ग्रीन से, ब्लैक से, वाइट से, ऑरेंज से. ओके, और बाकी जो भी कलर है उस सब से दे. ओके, दे वॉच्ड एज ग्रीन बिकेम द ग्रास एंड ब्लू बिकेम द स्काई एंड द येलो सन वॉज शाइनिंग ब्राइट ऑन वाइट क्लाउड्स ड्रिफ्टिंग बाय. यानी पोएट ने सब कलर्स को देखा और उन सब का यूज़ करके उन्होंने पिक्चर बनाया. उन्होंने ग्रीन कलर जो था वो ग्रास के लिए यूज़ किया, ब्लू कलर जो है वो स्काई के लिए यूज़ किया, येल्लो कलर है जो एक सन सन को फील करने के लिए यूज़ किया, वाइट कलर है वो क्लाउड्स जो होते हैं ओके उनके लिए यूज़ किया. यानी उन्होंने चार कलर्स का यूज़ किया, ग्रीन का ग्रास के लिए, ब्लू का स्काई के लिए, येल्लो का सन के लिए, वाइट का क्लाउड्स के लिए. ओके, कलर्स चेंजिंग एज दे टच्ड, कलर्स चेंजिंग एज दे टच्ड, बिकमिंग समथिंग न्यू. दे वॉच्ड मी एज आई कलर्ड, दे वॉच्ड टिल आई वॉज थ्रोन. ओके, कलर्स जो है वो जो कलर्स होते हैं ना वो पूरा जो कलर होता है ना पिक्चर उसका लुक जो होता है वो चेंज कर देता है, यानी उसको कुछ नया बना देता है. ओके, यानी कुछ नया बनने लगता है क्योंकि आप ऐसे ही ड्रॉ करके रखो और उसका कलर के साथ ड्रॉ करो, कलर्स करो, फील करो, तो वो पिक्चर देखने में भी अच्छा लगता है. तो बोले कि मुझे वो लोग मुझे देख रहे थे जैसे ही मैं कलर कर रहा था. ओके, वो लोग मुझे देख रहे थे जब तक मैंने कलर कर रहा था. ओके, एंड व्हेन आई फाइनली फिनिश्ड आई बेगन टू वॉक अवे एंड एज आई डिड द क्रेयन बॉक्स हैड समथिंग मोर टू से. और उनके फिर धीरे धीरे करके उन्होंने सब किया और जैसे ही कलर्स कंप्लीट किया यानी पिक्चर्स कंप्लीट किया उन्होंने, उनका जो पिक्चर्स में कलर्स कर रहे थे ना, जैसे ही उन्होंने जो पिक्चर्स है उसमें कलर कर दिया, कंप्लीट कर दिया वो पिक्चर, उस उन्होंने वहाँ से चले गए. ही बैगन टू वॉक अवे यानी वो दूर चले गए. ओके, और उन्होंने क्या देखा क्रेयन बॉक्स जो है उन लोगों को कुछ समथिंग मोर टू से कुछ कह रहे थे. क्या कह रहे थे? आई डू लाइक रेड, पहले डोंट लाइक था, अभी आई डू लाइक रेड सेज येलो एंड ग्रीन सेज सो डू आई एंड ब्लू यू आर टेरिफिक सो हाई अप इन द स्काई. ओके, यानी वो जो कलर्स झगड़ रहे थे ना उस, तो फिर येलो ने क्या बोला, मुझे अब रेड अच्छा लगने लगा है, ग्रीन ने बोला मुझे भी, और फिर ब्लू को क्या बोला, जिस ब्लू ने सबको समझाया था ना कि हम लोग तो एक बॉक्स कलर के बॉक्स से हम लोग अलग से नहीं बेच सकते. ओके, यानी हमको अलग से नहीं बेच सकते. ओके, तो ब्लू को बोला, ब्लू तुम तो बहुत अच्छे लगते हो स्काई में ऊपर, तुम तो स्काई में आकाश में ऊपर तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो. वी आर अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स ईच वन ऑफ अस यूनिक बट व्हेन वी गेट टुगेदर द पिक्चर इज कंप्लीट. फिर उनको रियलाइज हुआ किसको, कलर्स को रियलाइज हुआ कि अब सब ईच ऑफ देम
वॉज यूनिक, सारे उन लोगों में से सब एक यूनिक थे। ओके, और एक से कुछ नहीं, एक कलर नहीं होता तो फिर पता है कितना दौड़धाम होती है। तो जब भी, यानी कहने का है कि सब यूनिक है, वो एक कलर का बॉक्स है। हम लोग खरीदने जाते तो एक नहीं दे सकता दुकान, 12 होते 13 होते तो वो पूरा बॉक्स लेना पड़ता है। ओके, यानी वो सब एक यूनिक है, सबका खुद का इम्पोर्टेंस है। ओके, अब हम टुगेदर होके देखो, बट वैन वी गेट टुगेदर द पिक्चर इज कम्प्लीट। जब हम लोग एक हुए तब जाके पिक्चर कम्प्लीट हुआ। सही बात है ना, एक हुआ ना, जब वो लोग एक हुए तब जाके कलर पिक्चर्स कम्प्लीट हुआ। किसी एक कलर से वो पिक्चर कम्प्लीट होता, ग्रीन होता तो सारा ग्रीन होता तो अच्छा लगता, नहीं रेड होता रेड नहीं, सब कलर्स अलग अलग तरीके से लगाने से वो पिक्चर्स क्लियर होता है, कम्प्लीट होता है। ओके, नाउ टर्न योर पेज स्टूडेंट्स, योर एक्टिविटी 8। मैं यहाँ थोड़ा सा समझा रही हूँ, बाकी एक्टिविटी 8 में कुछ है नहीं। ओके, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऐसा है, पेंटिंग्स आर आर्ट, पोएम्स आर आर्ट, प्लेस आर ऑल्सो आर्ट, तो ये तो है ही। ओके, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपके लिए ऑमिट है। ओके, एक्टिविटी 9 देखो, 9 वी हैव रीड, एक्टिविटी 9। ओके, वी हैव रीड अबाउट पेंटिंग, हम लोगों ने किसके बारे में रीड किया, पेंटिंग, पोएट्री एंड प्लेस। म्यूजिक इज ऑल्सो आर्ट, लेट्स रीड सम इडियम्स अबाउट म्यूजिक। इडियम्स आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ ईच सेपरेट वर्ड। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इडियम्स इज टू लिसन एंड सर्व एंड ऑब्जर्व हाउ दे आर यूज इन डिफरेंट वेज। ओके, हम लोग पेंटिंग के बारे में पढ़ा, पोएट्री के बारे में, प्ले के बारे में पढ़ा। ओके, तो अब म्यूजिक ऑल्सो आर्ट है, यानी एक आर्ट है म्यूजिक भी। तो यहाँ कुछ इडियम्स दिए गए हैं म्यूजिक के बारे में। ओके, म्यूजिक के बारे में तो उसको रीड करना है। ओके, तो देखो यहाँ आपको एक बात बोलूँ, ये आपको पढ़ने के लिए भी, थिंक अबाउट दिस सेंटेंसेस दैट यूज द इडियम्स। ओके, थिंक अबाउट दिस सेंटेंसेस दैट यूज द इडियम्स। ओके, एक सेकंड, जैसे देखो, ब्लो योर ओवन हॉर्न मतलब तुम्हारा खुद का हॉर्न ज़्यादा बजाने का, यानी एक कहने का मतलब क्या पता है, ब्लो योर ओवन हॉर्न मतलब खुद का हॉर्न ज़्यादा बजाना, मतलब खुद की प्रशंसा करना, बस खुद के बारे में ही सबके सामने बड़ाई ठोकते रहना, एक्चुअली वो मीनिंग होता है। ओके, मैं तो ये कर देता हूँ, मैं तो ये कर देने वाली हूँ, मैंने ये किया, यानी बस खुद की बड़ाई ठोकते रहना, इसको बोलते हैं ब्लो योर ओन हॉर्न। ओके, जैसे इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स टू प्रेज योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, टू प्रेज योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स। ओके, खुद की जो एबिलिटी है और अचीवमेंट्स है उसके बारे में बस प्रेज करते रहना, प्रेज मीन्स प्रशंसा, मैंने ये कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, मेरे में ये करने की ताकत है वो। ओके, समझ में आया, एक्चुअली ये वाला जो है ना, यहाँ लिखना था लाइन। ओके, ये वाले में लिखना था पर मेरा ध्यान नहीं गया और मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, नाउ डाउन, वॉट डू यू थिंक, वॉट डू यू थिंक, म्यूजिक टू योर ईयर्स मीन्स, म्यूजिक टू ईयर्स मीन्स यानी तुम्हारे कान को म्यूजिक मतलब, न्यूज़ और इंफॉर्मेशन डैट यू आर वेरी प्लीज टू हीयर, न्यूज़ और इंफॉर्मेशन डैट यू आर वेरी प्लीज टू हीयर। ओके, यानी ऐसे न्यूज़ और इंफॉर्मेशन जो तुम सुन के खुश होते हो। ओके, यानी एक ऐसे न्यूज़ होते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन होते जो सुन के तुम खूब बहुत सारे खुश हो जाते हैं। ओके, खुशी के न्यूज़ होते हैं ना, जो गुड न्यूज़। नाउ व्हाट डू यू थिंक फॉर अ सॉन्ग, फॉर अ सॉन्ग मीन्स वेरी चीपली एट अ लो प्राइस, फॉर अ सॉन्ग मतलब वेरी चीपली, या तो दूसरा कौन सा मीनिंग है, एट अ लो प्राइस। ओके, लो प्राइस,
स्टूडेंट्स यहाँ ये वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंटिन्यू एक्टिविटी 10, ओके, एक्टिविटी 10।